हे, क्या हाल चाल है दोस्तों। तो आज मैं आया था यार गुड़गांव। तो आज हम जाने वाले हैं गुड़गांव में, फेमस है साइबर अप। तो हम साइबर अप घूमने वाले हैं, आज आपको दिखाते हैं साइबर अप यहाँ का। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, फिर मिलते हैं आगे जाके। तो दोस्तों हम पहुंच गए एम्बियंस मॉल की पार्किंग में। हमने अपनी कार पार्किंग में लगा दी है, जिसका टिकट 60 रुपये का था। 260 रुपीज़ की एक टिकट है कार की। बाकी ऊपर चलते हैं, यहाँ से लिफ्ट है, लिफ्ट से ऊपर जाना है। दोस्तों हमें पार्किंग से जाना है फर्स्ट फ्लोर पे, तो ऊपर चलते हैं। तो भाई पार्किंग के बाद हम फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हैं। फर्स्ट फ्लोर के बाद थोड़ी वॉक है, वॉक करने के बाद सामने ही एम्बियंस मॉल है। मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरे से। बाकी आज जो हम आए हैं वीकेंड पे आए हैं, वीकेंड पे काफ़ी क्राउड रहता है यहाँ पे, और शाम का वक्त, शाम के वक्त मतलब मौसम भी बहुत प्यारा हो रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ घूमने के बाद। चलते हैं फिर एम्बियंस मॉल के। मॉल का मेन एंट्रेंस है, यहाँ से अंदर एंटर होते हैं। जो पार्किंग वाली बिल्डिंग थी वो अलग थी, जो पार्किंग वाली बिल्डिंग क्रॉस करने के बाद ये इसके ठीक सामने ही है। तो हम लोग यहाँ से अंदर जा रहे हैं। यहाँ चेक इन होती है, चेक इन करा लेते हैं फिर चलते हैं अंदर। ग्राउंड फ्लोर पे जैसे ही आप एंटर होंगे, ठीक सामने आपको देखने मिलेगा ट्रेंड्स, काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। तो ट्रेंड्स के थोड़े आगे आने के बाद भाई ये साइड में जब आएंगे तो आपको ये दिखेगा यूनिक्लो। ये यहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं। बाकी आगे चलते हैं। ये देखिए सामने जो देख रहे हैं, ये मतलब पहली लॉबी है मॉल की। मॉल के अंदर दो लिफ्ट हैं, मैं आपको लिफ्ट दिखाता हूँ पीछे। ये दो लिफ्ट हैं मॉल में, बाकी स्टेयर्स तो आएंगे इसमें। इस तरीके से आपको ये शॉप्स मिल जाएंगी। बाकी चलते हैं, मैं आगे लेके जाता हूँ आपको सबसे लास्ट में। फिर लास्ट में कवर करने के बाद ग्राउंड फ्लोर अपना हो जाएगा, फिर इसके ऊपर चलते हैं। इसमें टोटल जो फ्लोर है वो 4 फ्लोर तक मतलब शॉपिंग कर सकते हैं आप। जो इसका 5th फ्लोर है वहाँ पे PVR है, मतलब काफ़ी बड़ा मॉल है। यहाँ पे आपको सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे, सारे आउटलेट हैं नीचे। आप मतलब सारा शॉपिंग का है नीचे। देखिए सामने ये एडिडास का आउटलेट आ गया है, और इसके बाद है ये अमेरिकन ईगल, सारे ही हैं यहाँ पे। बाकी आगे जैक एंड जॉन्स, मतलब इस तरीके से मतलब बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए भी ये आपको मिल जाएगी। आप इसमें राइड कर सकते हैं, अपने बच्चों को खरा सकते हैं। भाई ये इतना बड़ा मॉल है, अगर आप इसके अंदर साइकिलिंग करना चाहें आराम से हो जाएगी। तो अब चलते चलते मैं भी थक गया हूँ यार, अभी थोड़ा ही आगे आया हूँ। अभी इसका जो ग्राउंड फ्लोर है अभी वही चल रहा है यार। फर्स्ट फ्लोर पर जा रहा था, फिर मैंने सोचा बाद में चलते हैं, पहले नीचे वाले को एक्सप्लोर करते हैं। ये इसकी इधर पहली लॉबी कंप्लीट हो चुकी है, अब मैं जा रहा हूँ सेकंड लॉबी की तरफ। अभी हम ग्राउंड फ्लोर पे ही कवर कर रहे हैं सारा। ये गर्ल्स के सारे बैग वगैरह हमें मिल जाएंगे। इधर वाली साइड में भी शॉपिंग्स का है, लेफ्ट साइड में भी एक्सेसरीज। क्या भाई क्रेडिट कार्ड यार है मेरे पास, तो भाई कहते क्रेडिट कार्ड बनवा लो। बाकी ये बीच में देखिए यहाँ पर आइसक्रीम्स की आपको ऐसी शॉप्स मिल जाएंगी, आप आइसक्रीम खा सकते हैं, मतलब काफ़ी ऑप्शन है यहाँ। आइसक्रीम के साइड में यहाँ पे सनग्लास हट मिल जाएगी आपको, अपने हिसाब से आप अपने गॉगल्स वगैरह ले सकते हैं यहाँ से। यार वैसे यहाँ घूमते हुए काफ़ी अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे अपने इंडिया में ही है नहीं। ये भाई जो आप सामने देख रहे हैं, ये इसकी सेकेंड लॉबी है। सेकेंड लॉबी में इस तरीके से आपको सब गैजेट शॉप्स वगैरह मिल जाएंगी यहाँ पे, मतलब बीच में। अच्छा यार दो लिफ्ट इधर भी हैं, उधर दो लिफ्ट थी ना, दो लिफ्ट इधर भी हैं, मतलब 4 लिफ्ट हो गई हैं। अच्छा फिर आगे भी होगी यार, ये देखिए टॉमी हिल्फिगर, मतलब जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं वो भी आपको यहाँ सारे अवेलेबल हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये कॉस्मेटिक अपना, अब मैं आ गया हूँ यहाँ पे, 3rd लॉबी में आ चुका हूँ। अब 3rd लॉबी में जैसे ही मैं एंटर हुआ, मैंने राइट साइड में देखा ये सामने H&M अपने, तो देखिए सामने ये अपनी पूरी 3rd लॉबी कंप्लीट हो गई है। अब मैं चलता हूँ 4th लॉबी की तरफ। अभी तक भाई सारे शॉपिंग्स के यार जितने भी शॉप्स हैं अभी तक फिनिश नहीं है, मतलब बहुत काफ़ी लास्ट तक हैं ये। भाई थोड़ा आगे आने के बाद मैंने साइड में देखा कि यहाँ पे रिप्ले का एक आउटलेट मिल गया, रिप्ले के साइड में डिवाइस है। डिवाइस के दो बना रखे हैं, इधर लेडीज़ का, उधर साइड में जेंट्स का है। हैकेट लंदन जो कि काफ़ी फेमस ब्रांड है अपने इंडिया में भी, और बाहर इंटरनेशनल ब्रांड है ये। बाकी यहाँ पर साइड में आपको ये मिल जाएगा फॉरेस्ट एसेंशियल, जो कि इंटरनेशनल ब्रांड है ये भी। वाह यार, तो टेड बेकर लंदन,
ये भी सब इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं। तो भाई मुझे लग रहा है सामने फोर्थ लॉबी अपनी आने वाली है। तो भाई साइड में देखो, यहाँ पे घर डेकोरेशन के लिए सारे प्रोडक्ट्स हैं, चेयर्स वगैरह, सोफे, लैम्प। यार कितना प्यारा सेटअप बना रखा है ना डिस्प्ले के लिए। चलो, जो मैंने थर्ड लॉबी क्रॉस कर लिया, थर्ड लॉबी क्रॉस करने के बाद ही फोर्थ वाला पोर्शन है। यहाँ पे सारे ज़्यादातर जो है लेडीज़ के हैं, मैंने देखा, मतलब सारे कॉस्मेटिक वगैरह, शूज़। ये देखो भाई एल्डो, डिस्प्ले बहुत प्यारी लगी है। मुझे लगता है अब यहाँ पे अपना लास्ट होने वाला है ग्राउंड फ्लोर। देखो बीच में ये ऐसे आपको रेस्टोरेंट मिलेगा, काफ़ी खूबसूरत है यार ये भी। ओ भाई लैकोस्ट, मगरमच्छ वाला ब्रांड, काफ़ी महंगा ब्रांड है ये भी, इंटरनेशनल ब्रांड है। लैकोस्ट के ठीक सामने आपको देखने को मिलेगा ज़ारा, जो ज़ारा की डिस्प्ले है। साइड में इसके आउटलेट भी है। तो भाई एक और महंगा ब्रांड आपको देखने को मिलेगा डीजल, डीजल के साइड में है एप्पल का स्टोर। रेस्टोरेंट आ गया लास्ट में, बिल्कुल सबसे लास्ट में जाके ये रेस्टोरेंट फिनिश, अपना फोर्थ पोर्शन यहाँ पे होता है फिनिश। यहाँ से आप एग्जिट ले सकते हैं। अपना ग्राउंड फ्लोर जो है मैंने पूरा घूम चुका हूँ और घुमा दिया भाई। अब चलते हैं इसके सेकंड फ्लोर पे, तो उसके लिए वहाँ से स्टेयर से जाना पड़ेगा। आगे चलते हैं, आगे जाने के बाद स्टेयर लेता हूँ यार। चलते चलते भी जो है टांगें जो है अपनी पूरी जवाब दे गई हैं भाई। जिधर से मैं एंटर हुआ था सबसे लास्ट में आने के बाद, लेफ्ट पे ही आपको स्टेयर मिलेंगी। यहाँ स्टेयर से मैं जा रहा हूँ सेकेंड फ्लोर के लिए। तो भाई स्वागत है अपना सेकेंड फ्लोर पर। यार वेलकम टू सेकेंड फ्लोर। तो मतलब मैं जो है फोर्थ पोर्शन से स्टार्ट कर रहा हूँ, सबसे लास्ट वाले से। फिर हम लोग मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सीधा आगे जाएंगे। ये सबसे लास्ट वाली साइड है, ये देखिए यहाँ पे तरीके के प्रोडक्ट मतलब घर में रखने वाले, बाकी होम डेकोरेशन के। यहाँ पे आगे कुछ स्टोर है, ये देखो सामने जो सारे यहाँ होम से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स यहाँ मतलब इस वाली साइड में है। बेडशीट, पिलो वगैरह सब यहाँ पे मिल जाएंगे। ये होम सेंटर सारे बर्तनों के लिए। तो भाई काफी घूमते हुए टाइम हो गया, तो अब चलते हैं थर्ड फ्लोर पे। यहाँ स्टेयर से थर्ड फ्लोर पे चले जाएंगे, स्टेप्स थर्ड फ्लोर के लिए। जैसे मैं थर्ड फ्लोर पे मैं एंटर हुआ, तो मैंने साइड में देखा सबवे का एक स्टोर है। यहाँ पे सबवे के आगे आने के बाद यहाँ पे मतलब ज़्यादा क्राउड है, सारे फ्लोर के हिसाब से यहाँ पे ज़्यादा क्राउड है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे रेस्टोरेंट कैफेज सारे वो थर्ड फ्लोर पे पहले वाले पोर्शन पे ज़्यादा हैं। देखो साइड में ये बर्गर वगैरह, KFC, मैकडोनल्ड्स, ये मतलब सारे रेस्टोरेंट्स हैं। अब यहाँ से साइड से बाहर हो लेते हैं भाई सेकंड लॉबी के लिए। ये जो सामने देख रहे हैं ये किड्स के लिए है, सही है, मतलब बच्चे खेल सकते हैं यहाँ पे। बाकी यार जो मुझे सबसे अच्छा कैफ़े लगा वो थर्ड फ्लोर का ये वाला है, यहाँ पर फील आएगा बालकनी का पूरा। तो यार दोस्तों घूमते घूमते लगने लगी अब मुझे, यार काफ़ी चलते चलते भी थक गया हूँ, तो फिर पहले कुछ खा लेते हैं फिर बात करते हैं आपसे आगे। तो यार यहाँ पे KFC मिल गया था, तो KFC में कुछ खा लेते हैं। अच्छा तो अपनी टीम पहले ही आ गई है यार, उससे ज़्यादा भूख नहीं है यार, बहुत मेहनत के बाद मिला। तो यार भूख लग रही थी KFC में, अब हमने थोड़ा बहुत खाना खा लिया अपना, बाकी हम आगे जा रहा हूँ।
आपको इस मॉल में ना यार सारे अदर कंट्री के लोग देखने को भी मिलेंगे, काफी मतलब बाहर से लोग आते हैं यहाँ पे। तो सारा थर्ड फ्लोर जितना भी है सब फूड सेक्शन से भरा हुआ है, यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे खाने के। बाकी अब मैं यार सोच रहा हूँ कि यहाँ से अब इसे कवर करते हैं, अब चलते हैं वहाँ पे लास्ट है, वहाँ पे अब क्या जाना, उधर से फिर टर्न लेने के बाद इसके अपोजिट साइड है। अच्छा स्टेयर्स डाउन भी उधर से ही है यार। तो भाई फ्लोर के लास्ट में आ गए हम, थर्ड फ्लोर से अब मैं जा रहा हूँ नीचे की तरफ, चलते हैं ग्राउंड फ्लोर। यार पूरा ही मैंने कवर कर लिया, बाकी तो ऊपर पी वी आर ही बचा है। इधर से स्टेयर्स मिल गई नीचे जाने के लिए। तो भाई अब मैं जा रहा हूँ नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, अब चलते हैं बाहर, पूरा घूम लिया यार, काफ़ी थक चुका हूँ मैं, तो ये स्टेयर्स पर मैं आ चुका हूँ, सेकंड फ्लोर अपना आने वाला है, फिर चलते हैं बाहर। तो भाई ये मॉल से बोले थे एग्जिट, तो भाई मैं मॉल से एग्जिट हो गया हूँ। तो अपना खूब सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह, जब तक के लिए मेरे दोस्त बाय बाय।